जितने भी प्रोजेक्टर परचेस करेंगे किसमें जाएंगे, प्रोजेक्टर में जाएंगे। एक होता है प्रोडक्ट बेसिस, एक होता है कंपनी बेसिस। जैसे एक कंपनी का ग्रुप हमने क्रिएट कर लिया, लेकिन ये बहुत कम लोग क्रिएट करते हैं, जैसे वो सिर्फ तब होता है जब आप सिंगल प्रोडक्ट सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर होंगे तब होता है। ठीक है, कि जैसे एक कंपनी का क्रिएट कर लिया कि सैमसंग के क्रिएट कर दिया, अब सैमसंग का कोई भी प्रोडक्ट हो जो आएगा वो सैमसंग में जाए। ठीक, लेकिन ज्यादातर मोस्टली जो होता है वो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, क्रिएट कैसे होता है ये देख लो, ये यहाँ पर ऊपर एक नाम डाल दिया, एरियास कुछ नहीं लेना है, ग्रुप का अंडर प्राइमरी रहेगा, आइटम्स का अंडर ग्रुप रहेगा। ठीक है, ग्रुप्स का जो अंडर होगा वो प्राइमरी रहेगा, आइटम्स का जो अंडर होगा वो यहाँ से जो ग्रुप क्रिएट करोगे वो रहेगा। ठीक है, और ग्रुप्स की कभी भी जीएसटी डिटेल को यस मत कर देगा, ग्रुप्स की जीएसटी डिटेल नो रहेगी, आइटम की जीएसटी डिटेल यस होगी। जैसे आइटम देख लो, ठीक है, ये है आइटम, आइटम जैसे ये है बैंक प्रोजेक्टर। ठीक, बैंक प्रोजेक्टर क्रिएट किया, किसमें जाएगा अंडर, प्रोजेक्टर में। किसमें आता है ये, पीसेस में ही आएगा, केजीआर, हाँ, ठीक है, केजीआर रिटर्न में तो आएगा नहीं, पीसेस में ही आएगा ये। ठीक है, बॉक्सेस में आएगा या तो, ठीक है, इसको यस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर डिफाइन कुछ हो तो डिफाइन कर दिएगा, वरना अनडिफाइन कर दिएगा। डिस्क्रिप्शन जैसे होता नहीं चीज़ों में, नीचे बॉक्स पर कुछ डिस्क्रिप्शन लिख के आते हैं, 6x15 रीडी वगैरह खरीदो तो उसमें इंचेस वगैरह नहीं लिखे होते, वो डिस्क्रिप्शन अगर डालना है। HSN और SAC ये दोनों चीज़ पता है।